हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हॉर्नबिल बुक में से पोएम द लेबनम टॉप। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी नेचर पोएम है और टेड ह्यूजेस ने इतना अच्छा वर्णन किया है कि ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। और मैं आपको बता दूं कि जो लेबनम होता है ये एक ट्री होता है और इसका जो ये जो ट्री है ये येलो कलर का होता है और इस ट्री की जो चौड़ाई और लंबाई है, ऊंचाई ये 25 फीट तक हो सकती है और चौड़ाई 18 फीट तक की इसकी चौड़ाई हो सकती है। और जो इस पे फूल लगते हैं वो उसका जो क्लस्टर है, जो गुच्छा है उसका, वो 10 इंच तक का, मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना सुंदर ये एक पेड़ है जिस पर ये पोएम लिखी गई है। टेड ह्यूजेस ने बहुत ही अच्छी पोएम ये लिखी है और इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ कि जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो लेबनम के जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं। ये देखो, ये लेबनम का ट्री है और ये जो क्लस्टर हैं, जो गुच्छे लगे हुए हैं, ये 10 इंच तक के लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा दृश्य यहाँ पर है। और इसकी पोएम को आइए हम शुरू करते हैं। लेबनम टॉप। तो इस पोएम में क्या है कि जो टेड ह्यूजेस हैं वो बताते हैं कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल द इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहते हैं कि भाई जो द लेबनम टॉप इज साइलेंट, जो ट्री है, जो ट्री का जो टॉप है, मतलब ये ऊपरी जो हिस्सा है वो बहुत ही साइलेंट है, मतलब बहुत ही शांत है। और क्वाइट स्टिल मतलब इतना शांत है कि बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल क्वाइट मीन्स बिल्कुल और स्टिल बिल्कुल ही वो स्टिल है, मतलब हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल ही हिल ही नहीं रहा है। इन द आफ्टरनून येलो, और कौन सा समय है, दोपहर का समय है। और येलो सेप्टेम्बर, क्यों, येलो का मतलब बहुत ही धूप खिली हुई है। और सेप्टेम्बर सनलाइट, ये कौन सी धूप है, सेप्टेम्बर की। ठीक है, मतलब सितंबर का महीना चल रहा है और धूप खिली हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि भाई इस ट्री को, जो लेबनम टॉप, जो ये लेबनम जो ट्री है, इसको हम गोल्डन चेन के नाम से भी जानते हैं या गोल्डन रेन भी कहते हैं इस ट्री को। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कि भाई क्या हो रहा है कि भाई उसके जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो कैसे हैं, वो बिल्कुल येलो कलर के हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि जो ऑटम का सीज़न है, जो पतझड़ का जो सीज़न है, उसके कारण पत्ते पीले पड़ गए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो इसके सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो फॉलन नीचे गिर गए हैं। ठीक है, तो मतलब बीज नीचे गिर गए हैं। तो वहाँ पे इसका दृश्य दिखाया गया है कि भाई पेड़ कैसा लग रहा है। और ये दृश्य कब तक का है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप, मतलब ये जो दृश्य है ये तब तक का है जब तक गोल्ड फिंच नाम की जो चिड़िया है वो आती है। ठीक है, तब तक वहाँ पे बिल्कुल शांति है। विद ए ट्विचिंग चिरप, और वहाँ पर क्या होता है कि भाई ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब क्या होता है कि ट्विचिंग का मतलब होता है ट्रैम्बलिंग, कांपना। ठीक है, तो चिरप का मतलब क्या होता है कि भाई एक चहचहाने की आवाज़, तभी एकदम से क्या होता है कि भाई जब गोल्डफिंच आती है तो वहाँ पे एकदम से कंप कंप आती हुई चहचहाने की आवाज़ आती है। और ये आवाज़ किसकी है, किसकी है ये आवाज़, कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज़ आती है, वो एकदम से कंप कंप आती सी आवाज़ में, ट्विचिंग की जो अपनी आवाज़ है उसमें वो चिरप करते हैं, मतलब आवाज़ निकालते हैं अपने, चिरपिंग करते हैं। इसके बाद ए सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, तब क्या होता है कि एक सडननेस मतलब एकदम से
अब्रप्टली मतलब एकदम तेजी से कुछ वहाँ पे हलचल होती है। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है कि एकदम से हैरानी सी, एकदम सरप्राइज सा, एक्साइटमेंट सी छा जाती है वहाँ पे। एट ए ब्रांच एंड, और ये सब कुछ कहाँ पे होता है, एक टहनी के एंड पे, मतलब एक टहनी पर ये सब कुछ हलचल होती है, मतलब पूरा पेड़ नहीं हिलता है, मतलब उसका एक सिरा, एक हिस्सा ही पे इतनी ज़्यादा हलचल होती है। देन स्लीक एज लिजार्ड, मतलब तब क्या होता है कि भी वो स्लीक मतलब बिल्कुल स्मूदली, ठीक है, बिल्कुल स्मूदली, जैसे कि एक छिपकली लिजार्ड जो होती है वैसे जाती है। एंड अलर्ट, और ये एकदम से बिल्कुल अलर्ट है, सावधान है। एंड अब्रप्ट, और बिल्कुल अब्रप्ट तेजी के साथ जो गोल्डफिंच है वो सब कुछ ये बहुत ही तेजी के साथ करती है। शी एंटर्स द थिकनेस, मतलब एकदम से वो एंटर करती है कहाँ पे, थिकनेस, जहाँ पे जो पेड़ है वहाँ पे, उसके बहुत ही घना पेड़ है जहाँ पे, वहाँ पे वो एंटर कर जाती है। और फिर क्या होता है, एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और तब ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन वहाँ पे स्टार्टअप मतलब शुरू हो गई है, ऐसा लगता है कोई मशीन चल गई एकदम से। क्यों, कैसी मशीन है ये, देखो किस चीज़ की मशीन है, ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। तो एकदम से क्या होता है वहाँ पे, एकदम चिटरिंग होती है, ठीक है, मतलब जो चिटरिंग का मतलब होता है कि भी एकदम चहचहाने की जो उनकी आवाज़ होती है, चिरपिंग की जो आवाज़ होती है बच्चों की, वो आने लग जाती है। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर का मतलब होता है कि फड़फड़ाना, उनके जो पंख हैं छोटे छोटे वो फड़फड़ाने लगते हैं, विंग्स पंख, ठीक है। एंड ट्रिलिंग, और क्या होने लग जाता है, उनकी ट्रिलिंग होने लग जाती है, मतलब जो छोटी पतली सी आवाज़ में वो क्राई करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इस तरीके की उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, फिर क्या होता है कि भाई पूरे ट्री पे जितना भी वो ट्री है वो ट्रेम्बल मतलब कांपने लग जाता है, ऐसा लगता है भाई कंपन सा आता है उस ट्री में। एंड थ्रिल्स, और एकदम से वहाँ पे बिल्कुल एक उत्तेजना सी आ जाती है, थ्रिलिंग सी हो जाती है एकदम से, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पेड़ जो शांत था वो एकदम से इस सब से एकदम से उत्तेजित हो गया हो। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये किस चीज़ का इंजन है, किस चीज़ की मशीन है ये, ये उसकी फैमिली की मशीन है, गोल्डफिंच की, उसकी फैमिली का यहाँ पे इंजन सा शुरू हो गया है। शी स्टॉक्स इट फुल, और जो उसकी फैमिली है, जो उसके बच्चे हैं, उनको वो क्या करती है, मतलब उनको स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब उनको प्यार से, वो स्टॉक्स का मतलब होता है हिलाना, प्यार से हिलाना, वो उनके बहुत ही प्यार से हिलाती है और उनको फुल कर देते हैं, मतलब उनको जो दाना चुगा उसने देना होता है वो उसको खिला देती है उनको। देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर वो क्या करती है, तो फ्लर्ट्स आउट का मतलब होता है झपटते हुए, एकदम से झपटते हुए वो ब्रांच के एंड पे आ जाती है। और शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, फिर वो क्या करती है, फिर हमें दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, टेड ह्यूजेस कहते हैं, फिर उसका एक बार्ड फेस, बार का मतलब होता है धारीदार, ठीक है, ये बार का जो उसका फेस है, जो चेहरा है उसका धारीदार, वो दिखाई देता है। और ऐसा लगता है जैसे उसका जो चेहरा है ये उसका आइडेंटिटी मास्क है, मतलब उसको, उसने एक मुखौटा पहना हुआ है और ये उसकी पहचान है, उसकी किसकी, गोल्डफिंच चिड़िया की पहचान है ये। देन विद द एरी डेलिकेट विसल चिरपिंग विस्प्रिंग्स, तब क्या होता है कि भी एरी, एरी का मतलब होता है कि भी उदास, ठीक है, उदास भी और डरी हुई भी। तो कैसी, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बिल्कुल ही कोमल सी और वो डरी हुई सी, विसल चिरप विस्प्रिंग, तो वो एक विसल मतलब सीटी की आवाज़ में चिरप करती है। चिरप क्या होता है कि चिरप का मतलब होता है बिल्कुल एक आवाज़ निकालती है, और कैसी आवाज़ होती है उसकी, बिल्कुल सीटी जैसी, विस्परिंग, ऐसे धीरे से आवाज़ आती है उसकी सीटी बजने जैसी, विसल चिरप विस्परिंग, बिल्कुल ज़्यादा वो खुद में ही एकदम से चहचहाती है थोड़ा सा। और शी लॉन्चिज अवे, फिर वो लॉन्चिज अवे का मतलब होता है उड़ जाना, फ्लू अवे, ठीक है, फिर वो कहाँ उड़ जाती है, टुवार्ड्स द इन्फिनिट, किसकी तरफ, टुवार्ड्स किसकी तरफ,
की तरफ, और किसकी तरफ, द इन्फिनिट मतलब असीमित, असीमित क्या है, आकाश, आकाश की तरफ वो उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और क्या हो जाता है कि भाई जो लेबरनम ट्री है, जो पेड़ है, वो क्या हो जाता है, सबसाइड्स, सबसाइड्स का मतलब बिकम बिकम्स काम, मतलब शांत हो जाता है वो, ठीक है। टू एम्प्टी कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खाली हो गया है, चिड़िया के जाने से, गोल्डफिंच के जाने से, जो उसके बच्चे हैं, जो गोल्डफिंच है सिंगिंग बर्ड, उसके जाने से वो पूरे का पूरा जो लेबरनम ट्री है वो शांत हो गया है, और उसके बच्चे भी अब चहचहाना बंद हो गए हैं। तो इस तरीके से आप सबने इस चैप्टर को लर्न करना है और ध्यान रखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार सुनें, तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों, बाय।